नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए वेबसाइट हमारी शुरू हो गई है और उस पर आवेदन आप अब कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक तो आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए और जिस जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं भी या नहीं है, क्योंकि आपको 7 जिलों के लिए आवेदन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम आपको 1 जिले के लिए आवेदन जरूर करना है, तभी आपका जो आवेदन है वो स्वीकार किया जाएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे जिलेवार रिक्तियों की संख्या जो कि विभाग द्वारा जारी की गई है, और आपको आवेदन किस तरीके से करना है उसका भी हम आपको प्रोसेस इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो लिस्ट अभी वेबसाइट पर अपलोड हुई है वो है वैकेंसीज से रिलेटेड, और ये वैकेंसी है प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि आपको पता है जो हमारे तबादले होंगे ग्रामीण से ग्रामीण में और नगर से नगर क्षेत्र में होंगे। और यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने यहाँ पर जिलों के नाम दे रखे हैं, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा। और यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, जनपद में स्थानांतरित होकर आने वाले अध्यापकों की रिक्ति, यानी कि यहाँ पर अधिकतम कितने अध्यापक आ सकते हैं, और जनपद से स्थानांतरित होकर जाने वाले अध्यापकों की रिक्ति, और ये प्रधान अध्यापक के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये रिक्तियाँ इन्होंने किस प्रकार चुनी है। जैसा कि आदेश में लिखा था कि जो कि स्वीकृत पद होंगे 30 अप्रैल 2023 की छात्र संख्या के अनुसार, उसमें से केवल 10% का ही आप तबादला कर सकते हैं। तो 10% जाने वाले हैं तो उनके जगह पर उस जिले में 10% ही अध्यापक आ सकते हैं, यही इन्होंने प्रोसेस अपनाया हुआ है इस वाले तबादले में। जैसे कि आपको अम्बेडकर नगर में देख सकते हैं आप, 311 हमारे जनपद में स्थानांतरित होकर आने वाले अध्यापकों की रिक्ति, यानी कि 311 यहाँ पर आ सकते हैं और 320 यहाँ से जा सकते हैं। ये यहाँ पर जो हमारी रिक्तियाँ दे रखी हैं यहाँ पर जिले वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जिस जिले में आवेदन करना है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अभी प्राथमिक विद्यालय की चल रही है, मैं इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये पूरे 75 जिले हमें दे रखे हैं पहले, इस तरीके से हमारे यहाँ पर सिद्धार्थ नगर लास्ट पर है यहाँ पर, और ये हमारे पूरे वाराणसी तक टोटल वैकेंसी जिन्होंने नीचे लिख रखी है। तो आपको इनमें से कोई से 7 जिले चुनने हैं जहाँ पर भी आप चाहते हैं, और रिक्तियों को वहाँ पर जरूर देख लें, क्योंकि बहुत से जिलों में रिक्तियाँ यहाँ पर प्राइमरी में तो 0 नहीं है, पर जो जूनियर हाई स्कूल की रिक्तियाँ हैं वो काफ़ी जिलों में 0 भी हैं, वो आपको अभी मैं वीडियो में नीचे दिखाऊँगा। अब जैसे यहाँ पर ये नगर क्षेत्र में, यहाँ तो बहुत ही कम वैकेंसियाँ होती हैं आपको पता ही, क्योंकि नगर क्षेत्र में स्कूल बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ पर। अब बात करते हैं जो हमारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो रिक्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आगरा में जनपद से स्थानांतरित होकर आने वाले अध्यापकों की रिक्ति, सहायक अध्यापक 0, मतलब यहाँ पर आप आवेदन ही नहीं कर सकते। यहाँ से जाने के लिए 244 टीचर आवेदन कर सकते हैं, पर आने के लिए यहाँ पर कोई टीचर आवेदन नहीं कर सकता। अलीगढ़ में नहीं कर सकता, अम्बेडकर नगर में नहीं कर सकता, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, यहाँ पर जनपद में स्थानांतरित होकर आने वाले सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रिक्तियाँ 0 हैं। और ये केवल इन्हीं जिलों में नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे जिलों में 0। देखिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप रिक्तियाँ भी देख लीजिए और देख लीजिए आप आवेदन कहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने आवेदन पहले तो वहाँ आवेदन होगा ही नहीं, और अगर इक्का दुक्का रिक्तियाँ हैं, कम रिक्तियाँ हैं, तो आपको आवेदन वहाँ पर हो जो है तबादला आपका हो नहीं पाएगा वहाँ पर। तो आप रिक्तियों की संख्या के हिसाब से ही तबादले कीजिए, तभी आपके तबादला होने के चांस रहेंगे, क्योंकि भारांक के अनुसार और आप जो क्रम देंगे जिले का उसमें रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही तबादले के आदेश जारी होंगे। तो ये हमारे जो 75 जिलों के ग्रामीण के नगर क्षेत्र के, ये हमारे नगर क्षेत्र के हैं, प्राथमिक एवं प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र। यहाँ तो इक्का दुक्का आपको वैकेंसीज नज़र आएंगी, इसके अलावा यहाँ वैकेंसीज नहीं है। तो ये तो हमारी होगी वैकेंसीज की बात। अब बात करते हैं कि आप जो है आवेदन किस तरीके से करेंगे। हम आवेदन करके तो नहीं दिखाएंगे, आपको एक डेमो दिखाएंगे जो कि विभाग द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो क्या है वो डेमो, उसे देखते हैं। तो साथियों, आवेदन करने के लिए आपको जिस वेबसाइट पर जाना है उसके लिंक व्हाट्सएप पर काफी आ रहे हैं, वरना आप इस वाले लिंक को जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये आप गूगल क्रोम में टाइप कर और आप सीधे इसी पेज पर पहुंच जाएंगे जो कि यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलकर आएगी और यहाँ पर आपको देखिए दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है मानव संपदा का EHRMS कोड और दूसरा दे रखा है मोबाइल नंबर और ये कैप्चा है। मानव संपदा का कोड भरना है आपको अपना और वो मोबाइल नंबर जो कि मानव संपदा पर रजिस्टर्ड है वो भरना है और कैप्चा आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे आपको डालना है और उसके बाद आपके पास एक नीचे वाला पेज खुलेगा, आपको वहाँ जाना है। यहाँ पर आपको OTP आएगा आपके नंबर पर, आपको OTP यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीले कलर का जो प्रोसीड लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ प्रोसीड वाले बटन पर, और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय BSA। ये आपके लिए केवल ऊपर वाला जो है ये काम का है, बाकी तो ये हमारे विभाग के स्तर का है, हमें केवल इस वाले ऊपर वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज खुलेगा वो इस प्रकार खुलेगा और इसमें हम पढ़ लेते हैं। जो सबसे ज़रूरी हमारा यही है कि हमें जो है पता होना चाहिए आवेदन में क्या क्या चीज़ें लगनी हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश समय सारणी विज्ञप्ति शासन आदेश रिक्तियाँ भली भांति आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण अनुसार सूचना अनुसार तैयार रखें। पहचान पत्र आपको तैयार रखना है। पहचान पत्र कौन कौन से हो सकते हैं, वोटर आई डी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विथ फोटो। और इसका जो फॉर्मेट होगा पहचान पत्र को अपलोड भी करना है, ये JPEG या JPG फॉर्मेट में होगा और 20 KB से ज़्यादा इसका साइज होना नहीं चाहिए। अब बात आती है साइज की, अगर आपको साइज कम करना नहीं आता है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिनकी सहायता से आप अपने फोटो का या किसी PDF का फाइल का साइज कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया पहचान पत्र हमको चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए हमें, फ़ोटो स्कैन कॉपी JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए 20 KB की, हस्ताक्षर चाहिए 20 KB का, भारांक से संबंधित जो भी आपके प्रमाण पत्र लगा रहे हैं आप जो जिस चीज़ का भारांक आप चाहते हैं उन सब की एक PDF फाइल बना लीजिए और वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और मोबाइल नंबर वही रखें जो कि आपका चालू हो और मानव संपदा पर अपडेट हो जब आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट का निशान लगा हुआ आ जाएगा और इसके बाद आपको नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपके पास ये आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। मेन फॉर्म हमारा ये है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए मैं उन्हें बताता हूँ आपको पढ़ के। वर्तमान तैनाती का जनपद, कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सेवा संवर्ग, कार्यरत विकास क्षेत्र, कार्यरत विद्यालय, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, अध्यापक अध्यापिका का नाम, पदनाम, लिंग, जन्म तिथि, मौलिक नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, मानव संपदा ID और पत्र व्यवहार का पता। काफ़ी सिंपल सी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, आप इन्हें आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद आगे है AC की जानकारी ऊपर जो दी हुई है उसे हम एक बार उन्होंने और कंफर्म किया है। यहाँ पर कैसे कंफर्म किया देखिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर उन्होंने कहा ऊपर अंकित मौलिक नियुक्ति तिथि सही है, अगर सही है तो राइट लगाएंगे, IT आपको इसी पर बटन दबाना है, यहाँ पर अपने आप लिख कर आ जाएगी वो। ऊपर अंकित कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सही है, या आपको यस पर क्लिक करना है। ऊपर अंकित जन्मतिथि सही है, यस पर क्लिक, मतलब जो ऊपर जानकारी भरी है उन्होंने एक बार दोबारा से कंफर्म कर लिया क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। उसके बाद आपको जो है अगर सरकारी सेवा में पति पत्नी है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ यहाँ पर विवाहित है, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, विवाह की तिथि लिखिए। क्या जीवन साथी सरकारी सेवा में कार्यरत है, जीवन साथी के सरकारी का विभाग कौन सा है, क्या दिव्यांग है, दिव्यांगता का प्रतिशत लिखना है। पूर्व में अगर आप अंतरजनपदीय तबादले का लाभ ले चुके हैं तो वो यहाँ पर यस नो करना है। तबादले की तिथि लिखनी है, ईमेल आईडी लिखनी है, फोटोयुक्त पहचान पत्र यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसका नंबर लिखना है और यहाँ पर उसे चूज फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है। ध्यान रहे उसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर है वो जिले, जो 7 जिले चूज़ करने हैं हमें, वो 7 जिले आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं। आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो एरो दे रखा है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर 75 जिले सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। आपको उनमें से अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, कम से कम आपको एक जिला सेलेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 जिले सेलेक्ट कर सकते हैं, तभी आपका फॉर्म आगे स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भारांक से संबंधित है, आप अपने भारांक से संबंधित जो है खुद ही आपको इस पर टिक लगाना है, जैसे असाध्य गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका, उसके लिए अगर भारांक 20 है, अगर आप हैं इससे संबंधित आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे दस्तावेज, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका
पत्नी या पति, विवाहित पुत्र या पुत्री, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। इस तरह से यहाँ पर छह तरह के भार अंक हैं और आप जिस तरीके के भार अंक चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है और उसी के दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने हैं और अपना एक यानी कि स्वयं का नवीनतम फोटो यहाँ अपलोड करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक बार ही क्लिक करने से अगर आपको दो भार अंक चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उसकी एक PDF फाइल बनानी होगी। आपके जितने भी कागज हैं उनकी एक PDF फाइल बनानी होगी और उस PDF फाइल का साइज 200 KB से कम हो और उसे यहाँ पर अपलोड आपको करना है, ठीक है। क्योंकि एक कागज तो केवल एक ही बार अपलोड होगा, ऐसा नहीं है कि आपको फोटो खींच के अपलोड कर देंगे, नहीं, आपको PDF फाइल बनानी होगी यहाँ पर अपलोड करने के लिए और तब वो अपलोड होगा और ये फोटो और जो आपका पहचान पत्र है वो आपका JPG फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है मैं शपथ पूर्वक अभिदान करता हूँ और यहाँ पर जो यहाँ पर जो आपने जो भी दी है जानकारियाँ वो सही है या नहीं है उसके बारे में आपकी शपथ पूर्वक ये बयान लिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं अपने, यानी कि चार चीज़ें आपको अपलोड करनी है, फोटो, पहचान पत्र, हस्ताक्षर और आपके जो भी भार अंक के कागज हैं वो, और यहाँ पर आपको कैप्चा जो है भर के यहाँ पर और यहाँ पर इसे फाइनल सबमिट कर देना है और आपका जो फॉर्म है वो भर जाए। काफ़ी ईजी फॉर्मेट रखा गया है फॉर्म भरने का। बस सबसे ज़रूरी क्या है, जो भी आप फाइल बना रहे हैं उसका साइज बहुत ज़रूरी है, अगर साइज उसका ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी है साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। आप इस वीडियो को और साथियों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और आप कोई डाउट है इसे भरने के लिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। आज की वीडियो ही खत्म होती है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।